Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease. Divyanka Sinha और आज हम करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिए सब्सक्राइब और सामने आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको कर दीजिए प्रेस ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल सके। इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो सबसे पहली चीज, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन होता क्या है? What is communication? Sharing of information from one person to other by speaking, writing, signals or by any other means is called communications. तो आप भी अपने फ्रेंड से, आप इतने दिन से लॉकडाउन में नहीं मिल पा रहे हो, फिर भी आप उससे बात करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो तो वो आपको रिप्लाई देता है, आप उस तरीके से उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। क्लास टीचर्स जो हैं आपके, वो आपसे किस तरीके से गूगल मीट या फिर जूम जो भी ऐप्स हैं उन सबसे आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है कम्युनिकेशन, जब आप एक इंसान जो अपने हम अपनी बातें किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सके बोल के या फिर लिख के या फिर कोई और मेथड, जैसे कि आप सिग्नल दे दो या फिर व्हाट्सअप आप यूज़ कर सकते हो, जूम मीट ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बेसिकली कम्युनिकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब कम्युनिकेशन है उसके तो प्रोसेसेस में बहुत सारे एलिमेंट्स भी होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, मान लो आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो तो सबसे पहले आप देखते हो वीडियोस कि कैसा बनाना है, फिर उसके डिज़ाइंस देखते हो, फिर उसके बाद अपना खुद का थोड़ा आइडिया डालते हो, फिर बनाते हो, एट दी एंड आप अपने पेरेंट्स को देते हो जिसके लिए भी बनाया उसे देते हो। तो ऐसे ही जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसका भी कोई प्रोजेक्ट साइकिल या फिर कोई प्रोसेस तो होना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोसेस कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला जो हमारा कम्युनिकेशन का एलिमेंट है वो है सेंडर, द पर्सन हु इज स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन, जो कि स्टार्ट कर रहा है कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट है हमारा मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू सेंड, तो जो इंफॉर्मेशन जो सेंडर है वो भेजना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा एनकोडिंग, द वे द सेंडर वांट्स द मैसेज टू बी लुक लाइक, अब किस तरीके से जो सेंडर है वो चाहता है कि उसका मैसेज दिखे। चैनल, फ्रॉम विच मीडियम द मैसेज ट्रैवल, अब जैसे आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा तभी व्हाट्सएप पे जाएगा, तो ऐसे ही कौन सा भी जो भी मीडियम वो यूज़ कर रहे हैं वो होता है चैनल। रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, अब जिसको वो मैसेज भेजना था वो रिसीव करता है तो उसे रिसीवर कहते हैं। डिकोडिंग, द रिसीवर अंडरस्टैंड्स, जो भी रिसीवर को समझ आया जो भी कुछ उसने उसको पल्ले पड़े वो सारी चीज़ें उसके इसमें डिकोडिंग में आ जाएंगी। फीडबैक जो कि हमारा लास्ट है, द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज, अब रिसीवर ने जब उस मैसेज को देख लिया, समझ लिया, डिकोड कर दिया तो अब उसका वो कुछ रिस्पॉन्स भी तो भेजेगा। जैसे आपने पूछा कि हाउ आर यू, मैं आपको बहुत दिन से मिस कर रही हूँ, आप कैसे हो, इतने दिन से हम नहीं मिले, कुछ भी आपने मान लो मैसेज भेजा, तो आफ्टर रीडिंग दैट जब वो समझ जाएगा तो वो कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा ना कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, अपना बताओ। तो ऐसे ही जैसे वो रिस्पॉन्स करेगा उसे हम फीडबैक कहते हैं। आप जैसे कि बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते होंगे प्ले स्टोर के माध्यम से, आप बहुत सारे लोड तो करते होंगे और आपको पता है जब भी आप कोई गेम या फिर कोई न्यू ऐप लोड करते हो तो कुछ दिन बाद उसमें फीडबैक मांगता है, रेटिंग्स मांगता है कि आप इस ऐप को कितनी रेटिंग देना चाहते हो, 5 स्टार्स में से कितने स्टार्स देना चाहते हो, आता है कि नहीं आता है, तो वो क्या मांग रहा है आपसे? फीडबैक मांग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने एलिमेंट्स पढ़े उसको हमें कम्युनिकेशन साइकिल में देखते हैं, जैसे कि सोर्स मैसेज जो है, एनकोडिंग मैसेज को, फिर चैनल जिससे वो जाएगा, डिकोड रिसीवर जब उसको देखेगा, डिकोड करेगा, समझेगा, उसके बाद रिसीवर जो है वो फीडबैक देगा जहाँ से वो आया है उस इंसान को, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल सबको समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना। अब हमारा टॉपिक आता है पर्सपेक्टिव्स इन द कम्युनिकेशन, अब क्या फ़ायदे हैं या फिर क्या नुकसान है, क्या पर्सपेक्टिव है कम्युनिकेशन का। पर्सपेक्टिव आर फिक्स आइडियाज एंड थॉट्स रिगार्डिंग समथिंग, ये एक फिक्स आइडिया होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव फिक्स द थॉट दैट योर स्कूल प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, सो यू विल नॉट बी एबल टू टॉक टू हिम फ्रेंडली, यू ऑलवेज थिंक दैट ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, जैसे कि आपने मान लिया कि आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है।
तो आप हमेशा उनसे सोचोगे कि भाई अब तो डांट पड़ी जाएगी, सर आ रहे हैं, आप अपना रास्ता बदल लेते हो। आप कभी भी उनसे दोस्त की तरह नहीं बात कर सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा यही लगता है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। या फिर आप कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, आप उनसे हमेशा अच्छे से बातें करते हो, क्या आप सोच सकते हो कभी कि आप एकदम उससे स्ट्रिक्टली बातें करोगे? या फिर जैसे आपके पेरेंट्स आ रहे हो, आप अपना रास्ता मोड़ लो, ऐसा तो नहीं होता ना। दोस्तों के साथ एग्जाम्पल ले लो, नहीं होता ना। तो इसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, जो कि कम्युनिकेशन के होते हैं। पता चल जाता है कम्युनिकेट करने के बाद कि वो इंसान आखिरकार है कैसा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। अब जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं पर्सपेक्टिव जो है कम्युनिकेशन के, वो क्या क्या है? Here are some factors which affect perspectives. अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि लैंग्वेज, विजुअल परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीजुडाइस, फीलिंग्स, एनवायरनमेंट, पर्सनल फैक्टर्स और कल्चर। ये सारे हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो अब ये है क्या क्या? सो लैंग्वेज में हम देखते हैं ना, लैंग्वेज इज यूज इन कम्युनिकेशन। अब जो भी लैंग्वेज यूज की गई है कम्युनिकेशन में, आप उसको देखते हो। विजुअल परसेप्शन, हाउ द पर्सन लुक्स। अब आप जैसे भी किसी से भी बात करने जाते हो, अगर आप उसको सामने सामने से बात करो तो आप ये भी देखोगे ना कि वो कैसा दिख रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस, योर पास्ट एक्सपीरियंस विच हिम, या फिर उनके साथ आपका कैसा पास्ट का एक्सपीरियंस है, आप वो भी देखोगे। प्रेजुडाइस, सम फिक्स्ड आइडियाज अबाउट द पर्सन, आपके दिमाग में पहले ही ख्याली बनाव बनने लगते हैं कि वो कैसा हो सकता है। फीलिंग्स, हाउ आर यू फीलिंग एट दैट टाइम, आप कैसा फील कर रहे हो उस वक्त। एनवायरमेंट, द एनवायरमेंटल कंडीशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेट करने आप किसी से जा रहे हो तो उस वक्त का मौसम कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। आप बारिश में तो नहीं जाओगे कम्युनिकेट करने किसी से, मैदान में मिलने या फिर गार्डन में मिलने। पर्सनल फैक्टर्स, अब पर्सनैलिटी के हिसाब से आप देखोगे कि उसके क्या क्या फैक्टर्स है। पर्सनली, हाउ आर यू अटैच टू हिम, आप उससे कितना ज़्यादा अटैच हो या नहीं हो। कल्चर, योर कल्चर एंड हिज कल्चर आर ऑल्सो अ फैक्टर, आपका कल्चर और उसका कल्चर भी एक फैक्टर है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कितना ज़्यादा उस कम्युनिकेशन का इफेक्ट पड़ रहा है। द कम्युनिकेशन इन विच द रिसीवर गेट्स द बेस्ट पॉसिबल मैसेज दैट द सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे। अब जो कम्युनिकेशन जिसमें जो रिसीवर को मिल रहा है सबसे अच्छा मैसेज, जो कि सेंडर भेजना चाहता है अच्छी तरीके से वो कन्वे कर रहा है। मान लो आपके बॉस ने आपको कहा कि आप प्रेजेंटेशन बना के भेजो, तो आप बहुत ही मेहनत करोगे प्रेजेंटेशन की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, है ना। तो इसी टाइप को आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इफ़ द रिसीवर गेट्स द एप्रोप्रिएट मैसेज दैट द सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और दूसरे वर्ड्स में आप अलग शब्दों में कह सकते हो कि जो भी जो सेंडर है वो कहना चाहता है, अगर बहुत ही अच्छी तरीके से उस रिसीवर को समझ में आ गया तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। सो अब हम आ जाते हैं 7 C's ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए ये 7 C's जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कौन कौन से 7 C's हैं उनको देखते हैं। क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। ये सारे जो है ये 7 C's में आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या 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 चीज़ें हैं। क्लियर, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। क्लियर का मीन्स है कि आप सही से एकदम समझ जाओ, बहुत ही अच्छे से आप क्लियर हो जाओ कि आपको क्या कहना है। कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। अब सिंपल वर्ड्स को यूज करो और सिर्फ उतना ही कहो जितना कहना जरूरी है। कॉन्क्रीट, यूज एक्सट्रैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब आप अच्छा और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो तो आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो, वर्ड्स अच्छे से एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर सकते हो। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि ग्रामरली एक ऐप आ रहा है, वो कहते हैं कि राइट कॉन्फिडेंटली एंड करेक्ट। तो उस पर भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे वो जो बड़े बड़े वर्ड्स आप लिखना चाहते हो, आपको नहीं पता कि उसको एक वर्ड में क्या कहना है, तो वो नीचे रेड रेड लाइन खींचने लगता है और फिर वो उसमें एक वर्ड दिखाता है, तो आप उसको क्लिक कर देते हो तो वो करेक्ट हो जाता है। करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। अब आप एकदम सही स्पेलिंग्स यूज़ करो, लैंग्वेज यूज़ करो और ग्रामर भी करेक्ट होनी चाहिए। Current, use your words should make sense and should be related to the main topic. अब coherent का means यही है कि आपके जो words है वो sense बनाने चाहिए, उनके अंदर कुछ sense होना चाहिए और वो main topic से related होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपके लिए video बनाया तो इसमें जो भी चीज़ें आपके लिए important है मैं वही डालूंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी communication skills का chapter चल रहा है और मैं self management का डाल दूँ उसमें, ऐसा तो नहीं करूँगी ना। Next है हमारा complete।
Your message should have all the needed information. अब आप पहले भी आपको पता होगा नोटिस आप लिखते होगे, नोटिस राइटिंग आपने बहुत बार की होगी या फिर लेटर राइटिंग, तो नोटिस राइटिंग ही मान के चलो उसमें आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है नोटिस में। तो इसी तरीके से आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो किसी भी वे की तरह से, तो आपका जो मैसेज है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट होना चाहिए और सारे उसमें ज़रूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोर्टियस, बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। अब आप कोर्टियस रहो, रेस्पेक्टफुल और रेस्पेक्ट के साथ अपने कम्युनिकेशन भेजो, फ्रेंडली रहो, अच्छे से बात करो और ऑनेस्ट रहो, सच ही बोलो, अपने बारे में किसी को झूठ मत बताओ। सो इसके आगे चलते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।